क्या एक बार फिर से हम इस टीम को स्टेप अप करते हुए देखेंगे इस गेम के अंदर। जो पिछले हफ्ते की जो डाउन परफॉर्मेंस गई थी इनकी, आर दे गोना कम बैक और उसके लिए यहां पे कॉम्पनसेट करते हुए दिखाई देंगे, या फिर आर दे गोना फॉल डाउन अगेन। प्रॉब्ली दे आर गोना कोप अप, दे आर ट्राइंग टू कोप अप राइट नाउ। किस तरीके से वो कोप अप करते हैं, आप देख सकते हैं लूट और ग्रेनेड्स, लूट और स्मोक, सब चीजें इस्तेमाल करी जा रही है यहाँ पर टीम आईएनडी के द्वारा। ये गेम आईएनडी का भी हो सकता है, नो डाउट उन्होंने ट्रांस को खोया है, बट द मेजर फैक्टर इज वो अभी भी पूरा पूरा तैयार रहेंगे इन फाइट्स के लिए, इन गेम्स के लिए। वाडू सर वहां पर मिस्टर योजू को प्रॉपरली फिनिश करते हुए टीम आईएनडी के प्लेयर्स को आप वापस देख रहे हैं। स्काउट ने वापस सिनर्जी टेड को डाउन कर दिया है, सिनर्जी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है, कुछ फनेटिक आई गेस अब चार्ज इन करना चाहेगी, लेकिन सामने नडाइस गाइस के प्लेयर्स एक प्रॉपर मूवमेंट दे चुके हैं। एक प्लेयर स्पॉट किया था, क्रेटोस की हेल्थ काफी ज्यादा कम हुई, अभी थोड़ी सी कम हुई है नो डाउट, बट स्टिल एक प्लेयर को फिनिश करना चाहिए। स्नैक्स ने ऊपर से काफी अच्छा हाथ दिया, बट स्नैक्स को भी डाउन किया जा रहा है। शिबू सर यहां पर एक प्लेयर को डाउन कर रहे हैं, काफी टीम आईएनडी को फिनिश करना चाहेंगे एंड आईएनडी एलिमिनेट हो जाती है नडाइस गाइस के द्वारा। स्काउट डोमिनेशन में आ जाते हैं ऑन द अदर साइड, बिकॉज वो सर्कल के बाहर की टीम को पूरा पूरा मुश्किल में लेकर आ रहे हैं। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स मूव करना शुरू कर चुके हैं सर्कल के लिए, बट उनको हाइप का स्क्वाड मिलने वाला है वहां पर, बट मावी फिनिश करेंगे प्रोटोटाइप को डाउन करके, बट ओआर मावी डोमिनेशन में आते आते मावी भी डाउन हो जाएंगे, बट दलजील वेनम को फिनिश करेंगे। ऑन द अदर एंड हाइप का स्क्वाड एलिमिनेट होने की कगार पर था एंड एलिमिनेट हो जाएगा, 9 स्क्वाड्स बचती हैं, दलजीत अकेले बचे हैं। एलिमेंट्रिक्स का स्क्वाड यहां पर आप देख सकते हो, पीछे टीएसएम एंटिटी को लिए भी देखना चाहेगा। ऑरेंज रॉक भी एलिमिनेट हो जाती है 9वें नंबर पर, 8 स्क्वाड्स बचती है अभी के लिए। डेडाइज गाइस वर्सेस एलिमेंट्रिक्स इस एरिया में, जी हाँ, डेडा गाइस वर्सेस एलिमेंट्रिक्स नहीं, यहाँ पे टीम एक्सट्रीम भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो कि एलिमेंट्रिक्स को बैकअप कर रही थी। उत्सार का यहाँ पे अकेले बचे अपनी टीम के लिए। सामने एलिमेंट्रिक्स की तरफ से भी सिर्फ एक ही प्लेयर जो कि ऑन टॉप, एक बहुत ही यंग टैलेंट फ्रॉम नेपाल, वो जिंदा बचे हैं। और डेडा गाइस की जैसे बात कर रहे थे, तो वहां पे वाडू सर जो है अकेले, आई गेस उनकी पूरी टीम जिंदा है, तो डेडा गाइस के पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज रहेगा। बस एक ही प्लेयर खोया था उन्होंने उस सिचुएशन में, बट टीम एक्सट्रीम और एलिमेंट्रिक्स बहुत ज्यादा दिक्कतों में रहेंगी। और जैसा हम देख रहे थे सिनर्जी के ऊपर जो कहर बरसा जा रहा था, सिनर्जी को भी यहां पे इस गेम से बाहर निकल जाएगा। एलिमेंट्रिक्स की तरफ से एक और नॉक आता हुआ, ऑरेंज यहां पे अपने कदमों पे खड़े हो चुके, बट लिजुन सर के अगेंस्ट फाइट लेने की कोशिश करेंगे और आगे और पीछे दोनों जगह से एलिमेंट्रिक्स पे गोलियां चलती हुई। और अब टीम एक्सट्रीम उनके